कहानी सियासत की। जी हाँ, नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं दीपक मिश्रा और सबसे पहले इस खास बुलेटिन में बात करेंगे उन खास चुनिंदा सियासी खबरों की जिन्होंने आज दिन भर सुर्खियां बटोरी। सबसे पहले बात करेंगे उज्जैन के उस मिथक की जिसे हाल ही में नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तोड़ दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव पहली बार शनिवार रात उज्जैन में रुके और इसी के साथ उन्होंने इस मिथक को भी तोड़ दिया कि कोई भी शासक कोई भी राजा बाबा महाकाल की नगरी में रात्रि विश्राम नहीं करता। दरअसल शनिवार रात को मुख्यमंत्री ने उज्जैन में जनसभा को संबोधित करते हुए इसके पीछे की कहानी सुनाई और उन्होंने कहा कि इस मिथक को तत्कालीन राजा दौलतराव सिंधिया ने बनाया था क्योंकि दौलतराव सिंधिया राजधानी को उज्जैन से ग्वालियर ले जाना चाहते थे। साल 1812 में वो राजधानी तो ले ही गए, धीरे से एक मंत्र फूंक गए कि यहां उज्जैन में कोई राजा रात नहीं रहेगा जिससे कोई कब्जा नहीं करने आए। बस ये उनकी एक राजनीतिक रणनीति थी। मोहन यादव ने आगे कहा कि राजा तो बाबा महाकाल ही है, हम सब तो उनके बेटे हैं, क्यों भला कोई यहां रात नहीं रुकेगा। सुनिए क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। अरे राजा तो बाबा महाकाल है, हम तो सब बेटे हैं उनके, क्यों रात नहीं रहेंगे। बाबा महाकाल के बाल बच्चे हम हैं, अगर हम उनके बच्चे हैं तो, और अगर बाप को मारना है तो दुनिया की कौन सी ताकत महाकाल से बाहर है, क्या नगर निगम के बाहर नहीं रहेगी, ये कैसे हो सकता है। बाबा महाकाल नगर निगम तक ही रहेंगे, ये कौन सी बात। ब्रह्मांड में कहां कोई बच सकता है, बाबा महाकाल ने अगर टेढ़ी निगाह कर ली तो बाबा तो जन्म देने वाले हैं, आशीर्वाद देने वाले हैं, इसलिए बाबा ने कहा बटर मत, तुम्हारे उज्जैन में दे देता हूं तो झंझट ही खत्म। अब यही गाय गाय का डर है यार, उन्होंने कहा बाबा को ये लोगों का डर मिटाना है, अपन खुश है कि अपन लाए। उन्होंने कहा लाए नहीं दादा, मैं तो तुमको दे रहा हूं। इधर दूसरी तरफ महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी और ज्योतिषाचार्य पंडित आनंद शंकर व्यास के मुताबिक बाबा महाकाल की अपनी एक परिधि है। इस परिधि से किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री या राजघराने से जुड़ा व्यक्ति दूर ही रहता है। महाकाल मंदिर पर लहराने वाली धर्मध्वजा की जहां तक छाया पड़ती है उस परिधि तक कोई भी शासक रात नहीं रुक सकता। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक उज्जैन के राजा विक्रमादित्य थे, तब उनका किला इसी परिधि में हुआ करता था और जब विक्रमादित्य न्याय करने जाते थे तब राजा की कुर्सी पर महाकाल विराजित होते थे, इसलिए वे न्याय कर पाते थे। इस परंपरा को मानते थे कि एक राज्य में दो राजा नहीं रहते हैं, इस नाते से सिंधिया वंश के जितने भी राजा आए हैं वो प्रायः कार्यदेह पैलेस पर ठहरे, नगर से बाहर ठहरते रहे। इसी प्रकार पिछले मंत्रियों ने भी उसको पालन किया है, यहाँ के मुख्यमंत्रियों ने। लेकिन अब जैसे मोहन यादव का भी यहाँ घर है, प्रकाश चंद सेठी रहे तो उनका भी यहाँ घर है, घर होने के नाते वो यहाँ रहे भी, समझे नहीं। लेकिन शिवराज सिंह का तो यहाँ मकान नहीं है, दूसरे और भी रहे उनका मकान यहाँ तो नहीं है, समझे नहीं। कमलनाथ रहे तो कमलनाथ का भी यहाँ मकान नहीं है। इस नाते से जो बाकी पालन करते रहे, अब इनका नहीं कह सकते कि मोहन यादव उस वक्त किस हद तक पालन करेंगे। और शनिवार रात को उज्जैन में रात्रि विश्राम करने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया है कि जहां भी समस्या शिकायत या विकास कार्य को लेकर सौगात देना होगी वहीं पर कैबिनेट की बैठक की जाएगी। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मध्य प्रदेश में कैबिनेट की पहली बैठक रविवार को उज्जैन में हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कई बड़ी बातें कही। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में विकास के कार्य समय सीमा में और गुणवत्तापूर्ण कराना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। विकेंद्रीकरण व्यवस्था से व्यवस्था में सभी कार्यों की मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि जनता के हित में और जनता के लिए बेहतर निर्णय लिए जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता का हित सर्वोपरि है। तो उज्जैन दौरे पर मोहन यादव थे, शनिवार रात को उन्होंने विश्राम किया, जनता को संबोधित किया, जन समर्थन जिस तरह से स्वागत के तौर पर उज्जैन वासियों ने उनका किया, उसके बाद आज रविवार को मुख्यमंत्री ने संभाग स्तर की एक महत्वपूर्ण बैठक भी ली। चलिए इस पूरी खबर पर, मुख्यमंत्री के उज्जैन दौरे पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ हमारे संवाददाता इजहार खान जुड़ गए हैं। इजहार, पिछले 24 घंटे में जो कुछ भी हुआ उज्जैन संभाग में, चाहे मिथक का टूटना हो,
मोहन यादव का मंच से उस कहानी को समझाना हो कि कैसे सिंधिया घराने के राजा ग्वालियर राजधानी ले जाना चाहते थे उज्जैन से, और आज की संभाग स्तर की जो बैठक जिसमें उज्जैन जिले को लेकर उन्होंने तमाम महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए, ओवरऑल क्या अपडेट? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसका शुभारंभ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इसका शुभारंभ किया, और मध्य प्रदेश में कार्यक्रम का आयोजन उज्जैन में किया गया था जिसमें सीएम मोहन यादव जो है मुख्य रूप से मौजूद रहे, और कहीं ना कहीं कल उन्होंने एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ा है। दरअसल उज्जैन के बारे में कहा जाता था कि उज्जैन में कोई भी राजा या फिर मुख्यमंत्री है वो रात नहीं रुकता, क्योंकि ऐसा मानना था कि जो महाकाल बाबा हैं वही उज्जैन के राजा हैं, और एक राजा के रहते हुए कोई दूसरा राजा वहाँ पर नहीं रुक सकता। इसको लेकर चर्चाओं का दौर लगातार जारी था, और जब मोहन यादव मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब से ये चर्चाएं थी कि क्या इस मिथक के चलते मोहन यादव 5 साल तक अपने पुश्तैनी मकान में नहीं रुक पाएंगे जो कि उज्जैन में है, जो उज्जैन की गीता कॉलोनी में उनका पुश्तैनी मकान है। इसको लेकर लगातार चर्चाओं का दौर जारी था। हालांकि जब विकसित भारत संकल्प यात्रा खत्म हुई और उसके बाद सीएम सभा को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने इस मिथक पर बताया, उन्होंने कहा कि एक राजा थे दौलत राव सिंधिया, जिन्होंने इस मिथक को बनाया था, वो चाहते थे कि राजधानी यहाँ से ग्वालियर चली जाए, और जाते जाते वो एक सूर फूक गए। उन्होंने कहा कि कोई राजा यहाँ पर रुकेगा तो उसको नुकसान होगा, तो कहीं ना कहीं वो एक मिथक था, नहीं था बल्कि एक झूठ था, कहीं भी शास्त्रों में इस तरह का कोई उल्लेख नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो बाबा महाकाल है राजा तो वही है, हम सब उनके बेटे हैं, तो हम यहाँ पर क्यों नहीं रहे। तो इसके बाद वो रात रुके और उन्होंने उस मिथक को तोड़ दिया। लगभग 211 साल से ये मिथक चला आ रहा था, कोई भी राजा या मुख्यमंत्री वहां पर रात में नहीं रुकता था, सभी को कहीं ना कहीं डर सताता था कि अगर उज्जैन में रात रुके तो किसी तरह की कोई नुकसान हो सकता है, जिसमें जो है पॉलिटिकल नुकसान भी हो सकता है। उसके बाद सीएम ने आज सुबह संभागीय जो है समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने पूरा फोकस जो है विकास कार्यों पर दिया। तो सीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जो विकास कार्य हैं उनको करना प्राथमिकता रहेगी, साथ ही जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जनहितैषी योजनाएं हैं उनका बेहतर क्रियान्वयन किया जाना चाहिए, और उज्जैन जैसे जो बड़े शहर हैं वहां के विकास के लिए जोनल प्लान बनाने के लिए नगर निगम के अधिकारियों को भी जो है सीएम ने निर्देश दिए। साथ ही जो कलेक्टर हैं, कलेक्टर को निर्देश दिए कि कलेक्टर भविष्य में प्रोजेक्ट को देखते हुए सरकारी जमीन आरक्षित करें, जिससे कि जो योजनाएं होती हैं, देखने में आता है कि सरकारी योजनाओं के लिए जगह नहीं मिलती, परेशानी का सामना करना पड़ता है, उसके लिए सीएम ने पहले ही कलेक्टरों को चेता दिया है कि सरकारी योजनाओं के लिए जो सरकारी जमीन है वो देखना शुरू कर दे, जिससे कि योजनाओं में परेशानी ना आए। उसके अलावा और जो सड़क निर्माण कार्य हैं, जिसमें लगातार शिकायतें आती हैं कि खराब सड़कें बनी हैं, सड़क जल्दी उखड़ गई, सड़क बह गई, तो इसको लेकर सीएम ने निर्देश दिए हैं कि सड़क सहित अन्य जो निर्माण कार्य हैं उनका समय समय पर ध्यान रखा जाए और अधिकारी जो है नियमित रूप से उसका निरीक्षण करें। उसके अलावा जो पहली उन्होंने अपनी कैबिनेट में फैसला लिया था खुले में मांस और मछली बिकने का, उस पर भी सीएम ने कहा कि अगर मांस और मछली खुले बिकता है तो उस पर कार्रवाई की जाए। हालांकि उन्होंने एक और बात की कि जो इनके विक्रेता हैं उनके लिए मार्केट डेवलप किया जाए। तो कहीं ना कहीं पहली बैठक के बाद ये सवाल उठ रहे थे कि जो लोग खुले में मांस या मछली बेच रहे हैं उनमें कई लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई दुकान नहीं है, कोई साधन नहीं है जिसके जरिए वो अपनी जो जीवन यापन कर पाए, तो उनके लिए कहीं ना कहीं इस तरह की व्यवस्था की जाना चाहिए, मार्केट डेवलप करना चाहिए। तो सीएम ने उसी को लेकर निर्देश दिए हैं, मार्केट डेवलप करने की सीएम ने बात की। साथ ही कानून व्यवस्था लेकर सीएम काफी सख्त दिखाई दी, उन्होंने कहा कि कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में कोई समझौता नहीं किया जाएगा, और सीएम ने एक और बात कही कि सांप्रदायिक तनाव जहां पर होता है वहां पर जो उसका कारक है उसके ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। तो कुल मिलाकर सीएम मोहन यादव अब एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो जो वादे उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने के दौरान प्रदेश की जनता से किए थे उसको पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, और पिछले 24 घंटे के दौरान सीएम ने सिर्फ काम ही काम किया है और वो लगातार जारी रहेगा। जी, यानी कुल मिलाकर इजहार सांप्रदायिक हिंसा हो या लॉ एंड ऑर्डर, इसको लेकर महत्वपूर्ण निर्देश मोहन यादव ने आज की इस बैठक में दिए। बहुत शुक्रिया बैठक से जुड़ी अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए, खबर पर जुड़ने के लिए।